विधायक एक साथ है, सब कोई कहीं भी कहीं भी एक दूसरे से भेद नहीं है। सारी कांग्रेस एकजुट होकर प्रचार कर रही है, कांग्रेस में कहीं मत भेद नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोड़ा देख रहे हो, हम जब जाते हैं एकदम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उमंग है और प्यार और स्नेह है कि सब एकजुट होकर के और इस अभियान को सफल बना रहे हैं। और सदस्य हमारे जो शीर्ष नेता है वो इस कांग्रेस के सफल बनाने में पूर्ण जोर रखा है। और हमारे जितेंद्र जी भी काम से चले गए थे कल से वो बरसात हो गई। तो धंधा ही बिठाए कि मैं तो चाहूँ तो वो भी चीज देख रहा हूँ, धंधा प्यार और स्नेह लेके आप भी सोच सकते हो उनकी हो सकते हो। सजा हुआ था अभी 4 महीने पहले, इन्होंने जंग जीती और राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाई है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सरुण कुमार जी के समर्थन में हम लोगों ने तय किया, जिलाध्यक्ष की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारे रीटा चौधरी जी, चंदेलिया जी, भगवान राम सैनी जी, विजेंद्र ओला जी, मैं, हम लोग सारे के सारे लोग मिलकर और कार्यकर्ताओं का एक संवाद कार्यक्रम रखा ताकि हम लोग हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रत्याशी को मिलवा दें। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम थंपिंग मेजोरिटी से पार्लियामेंट की सीट जीतेंगे। देखो उनका बड़प्पन है क्योंकि वो हमेशा अपने छोटों को आगे रखते हैं, तो हम सब लोग एक टीम भावना से काम करते हैं। हमारे सेनापति वही हैं, कप्तान वही हैं, हम लोग उनके आदेश की पालना करते हैं। हम चाहते हैं जिलाध्यक्ष जी ने को हम लोग जिता के ये सीट देते हैं तो राजस्थान में उनका नाम होगा, पूरे देश में नाम होगा। इसलिए सबकी अपनी अपनी भूमिका है, हम लोग सब अपने अपने तहसील में जहाँ जहाँ से हम लोग नुमाइंदगी करते हैं सब अपनी ताकत रखते हैं, सब अपना वर्चस्व रखते हैं, तो सामूहिक प्रयास से सब कुछ होगा। हाँ ये जरूर है कि हम एक दूसरे को श्रेय इसलिए देते हैं कि हम लोगों में एक दूसरे में बहुत विश्वास है, हम लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम सब लोग कहते हैं कि भाई ये हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास है, इसलिए लोग सामने बात। और 11 तारीख को जब नामांकन भरने जाएंगे सरुण कुमार जी, उस समय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट साहब और प्रभारी जी अविनाश पांडे सहित बहुत से दिग्गज नेता आएंगे, जो राजस्थान प्रदेश स्तर के नेता, और हम लोग जो झुंझुनू जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग हम लोग उसमें मौजूद रहेंगे। हम करेंगे ऐतिहासिक नामांकन रैली होगी सरल कुमार जी। थोड़े दिन पहले हुए हैं विधानसभा चुनाव, ये अलग बात है कि कांग्रेस वहाँ से हार गई तो मनोबल थोड़ा टूटा हुआ था कार्यकर्ताओं का, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के अंदर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को तवज्जो दी गई उससे वो अति उत्साहित थे और बहुत शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन मंडावा के अंदर हुआ। निश्चित तौर पर मंडावा से कांग्रेस विजयी होकर निकली। आप देख रहे हैं सभी नेता एकजुट हैं, एक मंच पे हैं और निश्चित रूप से जो गत बार ये सीट झुंझुनू की विपक्ष के खाते में चली गई थी, इस बार भारी बहुमत से लाखों वोटों से श्रवण कुमार विजय होंगे और एक अपना इतिहास रचेंगे। उनके खुद के स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है, मुख्य 10 तारीख का है वो तो कार्यकर्ताओं का है और 11 तारीख का उनके फॉर्म भरने के बाद बड़ा कार्यक्रम, बड़ी जनसभा है, उसमें वो उनके देख रेख में।